Good morning, students. I, Sanchita Sharma, in front of you all. Students, today I'll explain you chapter 4 of EVS, food. So, I'll be explaining this chapter. I'll read the chapter for you. And same, your question answers, worksheet, bookwork, notebook, everything you'll be getting it in website. You have to download it from there and note it down in your notebook. So, let's begin. Food. Food is our basic need. We need food to grow and stay alive. Food gives us energy to work and play. We eat different types of food. Different types of food help us in different ways. Now see, in this, what we understand is, जो खाना है, वो हमारे लिए क्या है? एक basic need है हमारा, ठीक है? Daily routine में. Food से होता क्या है actually? What happens like when we take our food? अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाने से क्या होगा? ठीक है? See, we need food to grow and stay alive. हमें food क्यों ज़रूरी है? हमें food grow करने के लिए और alive, जिंदा रहने के लिए food ज़रूरी है. ठीक है? Food gives us energy to work and play. फूड और क्या होता है? हमें एनर्जी मिलता है फूड से. कोई भी काम करने के लिए, खेलने के लिए हमें क्या होता है? एनर्जी मिलता है. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम बहुत अलग तरह के खाना को हम खाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेज. तरह तरह के जो भी खाना होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल्स, वी टेक ब्रेड. Okay, so what happened? These food, different types of food helps us in different ways. सब अलग अलग food जो भी हम खाते हैं उससे हमको अलग अलग तरह का चीज़ मिलता है. किसी से हमें protein मिलता है, किसी से vitamin मिलता है, सारा एक में नहीं होता है. तो वो हम आगे पढ़ेंगे. Types of food. The food that we eat can be divided into 3 main groups. The food जो भी हम खाना खाते हैं वो कितने ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं? वो हम 3 main groups में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला हमारा है energy giving food. Energy giving food gives us energy to work and play. Now see, energy giving food क्या होता है? Energy giving food जो हम खाते हैं उससे हमें कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी में, काम करने के लिए, खेलने के लिए. ठीक है? तो energy giving food में क्या आता है? Bread, chapati, potato and rice are some of the energy giving food items. Okay, so bread, chapati, potato, इसमें क्या है? इन सब में इसमें energy giving food है ये. यानी कि अगर हम ये जितना लेंगे हमारे body का जो energy है उतना बढ़ेगा, उतना grow करेगा. ठीक है? तो ये क्या था? ये हमारा energy giving food था. Next we'll come to bodybuilding food. Some food items like meat, eggs, cheese, milk, pulses, fish and beans build our bones and muscles. अब देखो, ये meat, eggs, those who don't eat, those who don't take chicken meat, those who are vegetarians, I can say the people who doesn't take all these things are vegetarian, and people who take meat, eggs, they are called as non-vegetarians. So people who are non-vegetarians, इसमें क्या include हो जाता है? इसमें cheese, milk, pulses ये आता है. और जो vegetarians जो होते हैं, और जो non-vegetarians होते हैं उसमें क्या आता है? Meat, egg, fish ये भी आते हैं. तो these are the food items जिसमें क्या होता है? ये bodybuilding food है. इससे क्या होता है? हमारे bones और muscles strong होते हैं. ठीक है? और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड में इंक्लूड करते हैं. एंड दीज फूड आइटम्स कंटेन्स प्रोटीन्स. और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या कंटेन करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स कंटेन करता है. क्या कंटेन करता है? प्रोटीन्स. ठीक है? नाउ सी, प्रोटेक्टिव फूड. फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. प्रोटेक्टिव फूड क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है हमारा? प्रोटेक्टिव फूड हमारा फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स. ये क्या है? फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हमारा प्रोटेक्टिव फूड है जो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें बीमारियों से भी बचा के रखता है. सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड में इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमें ये बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है. इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. दीज फ्रूट्स आर एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या कंटेन करता है? दीज टू कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके,
Now, next is our sources of food. People who doesn't take all these things are vegetarian, and people who take meat, eggs, they are called as non-vegetarians. So, people who are non-vegetarians, इसमें क्या include हो जाता है? इसमें cheese, milk, pulses ये आते हैं. और जो vegetarians जो होते हैं, और जो non-vegetarians होते हैं, उसमें क्या आता है? Meat, egg, fish ये भी आते हैं. So, these are the food items जिसमें क्या होता है? ये bodybuilding food है. इससे क्या होता है? हमारे bones और muscles strong होते हैं. ठीक है? और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड में इंक्लूड करते हैं. एंड दीज फूड आइटम्स कंटेन्स प्रोटीन्स. और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या कंटेन करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स कंटेन करता है. क्या कंटेन करता है? प्रोटीन्स. ठीक है? नाउ सी, प्रोटेक्टिव फूड. फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. प्रोटेक्टिव फूड क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है हमारा? प्रोटेक्टिव फूड हमारा फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स. ये क्या है? फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हमारा प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें बीमारियों से भी बचा के रखता है. सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें ये बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. दीज फ्रूट्स और एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या कंटेन करता है? दीज टू कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर सोर्सेज ऑफ फूड. So, what's there in sources of food? Most of the food that we eat comes from plants and animals. What are the main sources of our food? Main sources of our food is plants and animals. We get food from plants and animals. Food from plants. Now, let's see what are the food that we get from plants. We get the following food from plants. फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज. जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो क्या, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? व्हीट गेहूँ, राइस चावल एंड मेज, मकई भी से ना, दैट इज मेज. पल्सेस लाइक मूंग, अरहर एंड ग्राम. पल्सेस मीन्स दाल, तो मूंग दाल, अरहर दाल कहते हैं, दे आर पल्सेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एंड बनाना. Next we have dry fruits like almond and nut. Vegetables may we have like potato, beans, carrot and radish. Edible oil like mustard oil, sunflower oil and coconut oil. Edible oil means the oil which we use for our daily need, like we cook food, isn't it? So we cook food with this edible oil like mustard oil. Sarso ka tel, we say mustard means sarso. Sunflower oil, you use this in making food also, your meal. And coconut oil, hair oil, coconut oil. Okay. Next we have food from animals. Now see, we get meat, eggs, and milk and honey from the animals. Further, milk is used to make items such as curd, cheese, butter, ghee, ice cream, and so on. Food from animals. Now see, I told you people who eat non-veg, meat, eggs, these all fish and all that. Okay, so we get these things from animals only. Okay, but those who are vegetarians, what we get? Milk, honey. Isn't it? Then for further, milk is used for what we can make items. We can make such as curd, dahi, cheese, butter, ghee, ice cream, and so on. Okay. Now see. Next we have meals. Meals means khana. We take 3 meals in a day. हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं, ठीक है? Morning में we eat our breakfast in the morning. ठीक है, तो मॉर्निंग में जो खाते हैं वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट. वी हैव आर लंच इन द आफ्टरनून. दोपहर में हम लंच करते हैं. वी टेक आर डिनर एट नाइट. और रात में हम डिनर करते हैं. ब्रेकफास्ट का जो हमारा टाइमिंग होता है वो हमारा मॉर्निंग का टाइमिंग होता है. दैट इज 7 to 8 o'clock. 6 to 8 o'clock यू कैन से. लंच इज एट 12 o'clock, 12 to 1. डिनर वी कैन टेक, डिनर का टाइमिंग इज 8 o'clock. Okay, in between 7 to 8 o'clock. Now see, next we have cooked food and raw food.
वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ फूड. हम कुक्ड फूड और रॉ फूड क्या होता है, कुक्ड मतलब जो हम बना के खाते हैं कुक करके, और रॉ मतलब होता है जो हम कच्चा ऐसे खाते हैं बिना पका हुआ, ठीक है. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी. तो हम खाना को पकाते क्यों हैं, कच्चा मतलब कच्चा क्यों नहीं खाते, वाई डोंट वी टेक रॉ फूड, ऑल द फूड वाई वी डोंट टेक, बिकॉज कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी. जब बना लेते हैं तो वो क्या होता है, वो खाना सॉफ्ट भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है, और वो हमारा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, खाना डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है. इसलिए हम खाना को कुक करते हैं, पकाते हैं. वी कुक सम फूड आइटम्स लाइक राइस, पोटैटोज, ब्रिंजल, फिश एंड मीट बिफोर ईटिंग. तो ये कुछ ऐसे फूड है जो हम खाने से पहले इसे अच्छे से कुक करते हैं. वी ईट सम फूड आइटम्स रॉ. हम कुछ अब बिना पकाए जो खाते हैं, वी डोंट कुक दैट, लाइक वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, रेडिश, अनियन, टोमेटो एंड सो ऑन. सो हम रेडिश, अनियन, टोमेटो ये हम क्या करते हैं, ये हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, खाते हैं, है ना. नाउ सी लास्ट वी हैव, नाउ एट लास्ट व्हाट वी हैव, गुड फूड हैबिट्स. 7 to 8 o'clock, 6 to 8 o'clock यू कैन से. लंच इज एट 12 o'clock, 12 to 1. डिनर वी कैन टेक, डिनर का टाइमिंग इज 8 o'clock, ओके, इन बिटवीन 7 to 8 o'clock. नाउ सी नेक्स्ट वी हैव कुक्ड फूड and raw food. We eat both cooked and raw food. हम cooked food और raw food क्या होता है, cooked मतलब जो हम बना के खाते हैं cook करके, और raw मतलब होता है जो हम कच्चा ऐसे खाते हैं बिना पका हुआ, ठीक है. Cooking makes food soft and tasty. तो हम खाना को पकाते क्यों हैं, कच्चा मतलब कच्चा क्यों नहीं खाते, why don't we take raw food, all the food why we don't take, बिकॉज कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी. जब बना लेते हैं तो वो क्या होता है, वो खाना सॉफ्ट भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है, और वो हमारा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, खाना डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है. इसलिए हम खाना को कुक करते हैं, पकाते हैं. वी कुक सम फूड आइटम्स लाइक राइस, पोटैटोज, ब्रिंजल, फिश एंड मीट बिफोर ईटिंग. तो ये कुछ ऐसे फूड है जो हम खाने से पहले इसे अच्छे से कुक करते हैं. वी ईट सम फूड आइटम्स रॉ. हम कुछ अब बिना पकाए जो खाते हैं, वी डोंट कुक दैट, लाइक वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, रेडिश, अनियन, टोमेटो एंड सो ऑन. सो हम रेडिश, अनियन, टोमेटो ये हम क्या करते हैं, ये हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, खाते हैं, है ना. नाउ सी लास्ट वी हैव, नाउ एट लास्ट व्हाट वी हैव, गुड फूड हैबिट्स. व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. खाने से पहले और खाने के बाद वी शुड एवरी टाइम वी शुड वॉश आवर हैंड्स. ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. खाना हमेशा फ्रेश और साफ खाना चाहिए. हैव मील्स एट फिक्स टाइम्स. खाना हमेशा फिक्स टाइम पे ही खाना चाहिए. अवॉइड टेक टॉकिंग व्हाइल ईटिंग. खाते समय बात नहीं करनी चाहिए. डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड. जो खाना कवर किया हुआ ना हो उसे हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है. च्यू योर फूड वेल. खाना को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, ठीक है, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. नेवर ओवर ईट. ओवर ईट मतलब अगर आपका पेट भर गया है तो ऑब्वियसली आप नहीं खाओगे, लेकिन ओवर ईट जैसे कभी होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जंक फूड. अगर आपको जंक फूड सपोज मैगी, आपको मैगी बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन कभी हम ये एक आप टेस्ट के लिए खा सकते हो, अपना टेस्ट चेंज करने के लिए आप मैगी खा सकते हो, लेकिन मैगी कभी आप पेट भरने के लिए आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है. ओवर ईट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना खाना चाहिए, ठीक है, जो आपके पेट के लिए, आपके लिए भी हेल्दी हो और पेट के लिए भी अच्छा हो, खाने अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए आपका. अवॉइड ईटिंग फ्रॉम हॉकर्स. हॉकर्स मतलब जो बाहर में बेचते हैं सब, है ना, उनसे खाना नहीं खाना चाहिए. जैसे रास्ते में चाउमिन, मोमोज दे कीप ना, वी शुड नेवर ईट फ्रॉम हॉकर्स. Never waste food and water. कभी भी food और water waste नहीं करना चाहिए. Now this is a very important point, students. Drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Water helps to digest the food and remove harmful materials from our body. Now see what happened. If you drink 8 to 10 glasses of water every day, at least कम से कम 8 से 10 glass पानी आपको daily पीना चाहिए.
क्या होता है इससे कि अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आप जो भी खाना खाते हो वो आपका अच्छा से डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन पार्ट जो आपका होगा वो बहुत अच्छा होगा, और आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं, जो भी गंदगी है, वो क्या होगा, वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यू शुड टेक वाटर एवरी डे एटलीस्ट 8 to 10 glasses. That's it, students. The chapter is over now. Now what you have to do is you have to go through with the chapter, you read the chapter, try to understand the chapter, and then you'll be getting your book work, your worksheet, question answers, everything in website in PDF form. You have to download it from there and then do it in your fair notebook. Till then, take care. Thank you.